नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान है, मौजा है, फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाही। माशाल्लाह, ये जो किताब है ना, इसकी छोटी से छोटी सूरत की मिसल तुम सारे मिल के ले आओ, सारे खुदाओं को भी कहो वो भी साथ हों, और फिर तुम सारे मिल के इसकी मिसल लाओ। न मिसल ला सके, अब मिसल तो न ला सके, ये मौजा कब है? जब सरकार के हाथ में कुरान है। अब कहा ये मेरा कुरान ले जाओ, कयामत तक चौराहे में ललकारेगा, आओ इसकी मिसाल लाओ। आज यहूदी नसरानी अरबी बोलने वाले अरबी के फसाखा आज इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अरबी जानने वाला, अरबी बोलने वाला, अरबी लिखने वाला, अरबी पढ़ने वाला एक यहूदी है। अच्छा, हाँ, ये बड़ी बड़ी इंग्लिश से जो अरबी में, अरबी से इंग्लिश में डिक्शनरीज हैं, ये उसकी लिखी हुई हैं, और उसने बहुत इस्लाम के खिलाफ तकरीब कारी किया, काम किया है। लेकिन उसको भी कहो कि कुरान मजीद के मुकाबले में ले आओ, जिस तरह सरकार के हाथ में कुरान ललकार रहा था, इसी तरीके से आज भी ललकार। इसके अंदर एक और नुक्ता, उस पर गौर करें, वो क्या है? जितने अंबिया और मुरसलीन के मौजजात हैं वो मखलूक हैं, ठीक, एक भी ऐसा मौजजा नहीं जो मखलूक न हो। यदे बैजा मौजजा है, पर यदे बैजा है तो मखलूक, लाठी मौजजा है पर है तो मखलूक, दमे ईसा है पर है तो मखलूक, कुरान जिसका नाम है वो क्या है? मखलूक नहीं है, वो सिफत बारी ताला है। जिस तरह का मौसूफ होता है सिफत उस तरह की होती है, का महबूब ये सिफत मेरी है, मौजजा तेरा है। क्या बात।